न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, मेरे देश का आवाम खतरे में। मामला है धार जिले के निसरपुर का, जहां आज सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर बढ़त लेवल के कारण निसरपुर में नमाज पढ़ी जाने वाली जगह ईदगाह पानी में डूब गई, जिसके चलते कल से मुस्लिम समाज के लोग वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर नमाज पढ़ने के लिए जगह की मांग कर रहे थे। रात के 3 बजे तक मामला चलता रहा, निर्णय नहीं हो पाया, जिसके बाद आज मुस्लिम समाज की नमाज बसाठ हाईवे रोड पर पढ़कर खुदा से हिंदुस्तान की सलामती की दुआ मांगी। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हम कब से ईदगाह की जगह की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। इधर तहसीलदार मैडम का कहना है कि जिस जगह को हमने नमाज के लिए देनी चाहिए हमने दिखाई, वहाँ मुस्लिम समाज जनों ने मना कर दिया। आज ईद थी और मुस्लिम समाज ने बसाहट के रोड पर बैठकर नमाज अदा की। सर, इसके पीछे क्या कारण रहा, कोई दिक्कत रही? कल शाम को मुस्लिम समाज से बात करने का प्रयास किया गया था, उनको 3-4 जगह उपलब्ध कराई और बताया गया कि हम यहाँ पर व्यवस्था करवा देते हैं। इसके बाद भी वो कुछ विशेष जगह के लिए ही मांग कर रहे थे, जो कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से उपलब्ध कराना संभव नहीं था, इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि हम किसी निजी मकान के सामने पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको फिर रोका नहीं गया। तो जगह नहीं दी निसरपुर में, निसरपुर पूरा डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है, ईदगाह हमारी डूब चुकी है, पूरी जलमग्न हो चुकी है, जिसके लिए अभी तक हमें ना तो उसकी ईदगाह की जगह दी गई है और ना उसका मुआवजा, ना उसका कुछ दिया गया है। जब हम आज हमारी ईद है, कल हम प्रशासन के पास गए, उनसे मांग की कि हमें ईद के ईदगाह के लिए जगह दी जाए, उन्होंने ये कहकर के बोल दिया आगे, चलो जगह देख लो, जहाँ पे अच्छी रहेगी वहाँ दे देंगे। रात की 1-2 बजे तक हमें इधर से उधर घुमाते रहे और रात की 2 बजे माननीय SDM साहब ने हमसे कहा कि हम तुम्हें किसी तरह की जगह नहीं दे सकते, जहाँ आप चाहो वहाँ पढ़ सकते हो। हमने स्कूल ग्राउंड के लिए ईद की नमाज के लिए मांग की थी उनसे, उन्होंने इधर उधर बहाने बनाकर उसको निरस्त कर दिया और बोल दिया कि हम कन्या परिसर का ये जगह है, हमको उनसे इजाज़त लेना पड़ेगी, हम वो नहीं दे सकते हैं, उन्होंने इस जगह को देने से मना कर दिया गया। ऐसे में मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज रोड पर अदा की है, हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमें ईदगाह की जगह जल्द से जल्द दें और आने वाले टाइम में हम ईद की नमाज हमारी ईदगाह पर अदा करें, ना कि रोड पर। और जो हमारे जो मुआवजे का प्लाट जो बाकी है, दरगाह का प्लाट बाकी है, उर्दू स्कूल का प्लाट बाकी, वो भी हमें जल्द। कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट।